बच्चों गुड इवनिंग। आज मैं क्वेश्चन नंबर 15 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लता एंड ममता दो पार्टनर हैं। इनका कैपिटल 3 लाख 2 लाख। इन्होंने अपना रेशियो 70% 30% रखने का निश्चय किया। ये अपना अकाउंट 31 मार्च 2016 को क्लोज करते हैं और इनकी जो प्रॉफिट बिफोर है वो 2,26,440। बाय नेट प्रॉफिट बीडी 2,26,440। बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा है ममता लोन 80,000 होल ईयर। तो 80,000 होल ईयर का मतलब होता है कि पूरे साल भर का 6% ब्याज लगेगा, जिसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन 48,000 रुपये का, नहीं गलत बोलिए, 80,000 रुपये लोन लिया ममता बच्चों प्रॉफिट लॉस क्लोज कर देंगे। नेट प्रॉफिट सीडी 2,21,600। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लग गया। ये अकाउंट केवल दो कारणों से लगाया जाता है, यदि मैनेजर कमीशन दिया है या फर्म का रेंट दिया है या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बच्चों बाय नेट प्रॉफिट पीडी 2,21,600। बच्चों अब चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लगाते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल और एम सात त्रिक 21,000 रुपए इनका आएगा और 14,000 रुपए इनका आएगा। उसके बाद बच्चों आया है पार्टनर सैलरी। फर्म ने लता को 2,500 रुपए सैलरी दी जा रही है। लता को 2,500 रुपए पर मंथ है, तो 25 × 12 आपकी सैलरी आएगी 30,000 रुपए। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यल कैपिटल। बच्चों यहां पर जो ड्राइंग है, लता की ड्राइंग 36,000 है और ममता की ड्राइंग 48,000 है,
इसका 8% और 6/12 तो आएगा 1440 1920 रुपए। बच्चों क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, पार्टनर सैलरी दिया है, इंटरेस्ट ऑन रेवेन्यू निकाला गया, 6 महीने का दिखाया गया। इस क्वेश्चन में एक नई चीज आई है, एक बटा दस डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में जनरल बच्चों 1/10 पहली बार आया है, हम लोगों ने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लगा चुके, कहीं भी जनरल रिजर्व नहीं है। मैनेजर कमीशन आया, इंटरेस्ट ऑन लोन आया, पार्टनर सैलरी आई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई, लेकिन आज जनरल रिजर्व आ रहा है 1/10। इनका ये कहना है कि 1/10 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो बच्चों ये कैसे आएगा, सबसे पहले आप इसको जोड़ दीजिए, बच्चों 2,25,000 रुपए यहां लिख के ये दोनों घटा दीजिए, 2,25,000 रुपए में से ये दोनों घटा देंगे तो 1,60,000 आएगा, और 1,60,000 का 10% आएगा 16,000। बच्चों इतना याद रखिएगा, जनरल ईयर में जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है सारी पोस्टिंग कर लेने के बाद इसको जोड़कर यहाँ लिखेंगे और इसी अमाउंट से ये दोनों घटा देंगे तो 2,25,000 में जब मैं ये घटाऊंगा 65,000 तो 1,60,000 आएगा, 1,60,000 का दर 16,000 है। बच्चे सवाल लग चुका, अब आते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। लता कैपिटल कैपिटल 1,44,000 70% और 30%। बच्चों 1,44,000 का 70% 30% या ए बी जीरो गायब कर दिए, 7 और 3 आ गया, गुणे 70/100 यहां लिखेंगे, गुणे 30/100 यहां लिखेंगे, आएगा 1,43,000। तो बच्चों किस क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे मेन बात क्या थी, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 1/10 ट्रांसफर करना है। अगर कहता हूं ओनली नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर को इसका 1/10 जाता है, लेकिन यहां क्या है कि सारा अमाउंट जोड़ करके ये 65,000 घटा देंगे, 1,60,000 रहेगा, 1,60,000 का 1/10 16,000 रहेगा। बच्चों ग्रांड टोटल जोड़ के इतना घटाएंगे, डिफरेंट आएगा 1,44,000, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और इसको 1,40,000 को 70% और 30% से डिवाइड कर देंगे। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा।